नमस्कार सभी को। आज मैं जो काव्य प्रस्तुत कर रहा हूँ वो प्रसिद्ध लेखक राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी गई है, जिसका नाम है रश्मि रति। ऐसे तो रश्मि रति के सात सर्ग हैं, पर वो आज सारे तो मैं नहीं बता सकता, इसलिए मैं तृतीय सर्ग, जो कि जब श्री कृष्ण कौरव के दरबार में जाते हैं और जब दुर्योधन उन्हें जंजीरों से बांधने की कोशिश करता है, तब वो जो दृश्य होता है वो हमारे कवि ने एक चित्र में लिखा है। तो शुरू करता हूँ। बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सा धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन थोता है देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। अब भगवान कौरव के दरबार में आके क्या बोलते हैं कि हमें नहीं करना ये युद्ध, ना देना हो तो ना दो आधा राज्य, लेकिन दे दो केवल पांच गांव, पांच पांडव पांच गांव। तो भगवान कहते हैं कि दो न्याय अगर दो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल पांच ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वही खुशी से कहेंगे परिजन पर हंसी ना उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे ना सका। दुर्योधन अपने अहंकार और क्रोध के मद में चूर भगवान से कहता है कि सुई की नोक पर रख सको उतनी भूमि का भाग भी मैं नहीं दूंगा। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, ये देख गगन मुझमें। भगवान कहता है कि ये देख गगन मुझमें ले है, ये देख पवन मुझमें ले है, मुझमें विलीन संसार सकल मुझमें ले है, झंकार सकल अमृत फूलता है मुझमें, संघार झूलता है मुझमें, उदयाचल मेरा दीप्त भाल वो मंडल भक्ष स्थल विशाल, बुझ परिधि बंद को घेरे हैं मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्चे दो नक्षत्र निखर सब है मेरे मुख के अंदर, ध्रुवो तो दृश्य कांड देख मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग शर अक्षर नश्वर मनुष्य सुरजीत अमर, सतकोटि चंद्र सतकोटि सूर्य सतकोटि सरित्र सर सिंधु मन सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश सतकोटि विष्णु जगपति धनेश सतकोटि रुद्र सतकोटि काल सतकोटि दंड कर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अटल पाताल देख गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदृश जन ये देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी भू है पहचान कहां इसमें तू है, अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, जिज्ञासा करती ज्वाल सदन सांसों में पाता जन्म पवन, मैं पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं छवि मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सुने को साध न सकता है वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जाए या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर बरसेगी भू पर वर ही प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस गाल सुख लूटेंगे सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, और आखिर तो भूषा ही होगा हिंसा का पर्दा ही होगा। थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर ना खाते थे धृतराष्ट्र और विधुर सुख पाते थे, करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय।